जम्मू रियासी लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में मतदान जो है वो आज से शुरू हो गया है और इस बीच लगातार लोग जो है वो सुबह से हर कोई जो है वो अपना अपना वोट कास्ट करने के लिए यहां पर पहुंच रहा है और एक ये कहें कि जोरदार मुकाबला और जोरदार टक्कर जो है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो है वो जम्मू लोकसभा सीट पर यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि एक तरफ रमन भल्ला जी की बात करें तो वो भी जो है वो मैदान में उतरे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से और दूसरी तरफ जुगल किशोर शर्मा जी एक ये कहें कि बीजेपी का एक बहुत बड़ा चेहरा और एक सियासत का बहुत बड़ा नाम वो जो है मैदान में उतरे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात है कि अब की बार जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार जो है वो आने वाली है। जम्मू के सरतवारी के अंदर जो नई बस्ती का एरिया है वहाँ पर इस समय मौजूद हैं और लगातार लोग जो है वो यहाँ पर अपना अपना वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इन्हीं से बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे आज जिस तरह से दूसरे चरण में मतदान जम्मू रियासी लोकसभा सीट पर यहाँ पर शुरू हो गया, क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है कि अब की बार किसकी सरकार? प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी। अगर इस एरिए की बात करूँ मैं, ये वार्ड नंबर 23 और नई बस्ती और जो नियर बाय एरिया है, पहले कहा जाता था 80-20, इस बार 95-5, खाता ही नहीं खुलेगा। कहते ना पहले कांग्रेस आई, इस बार मैं कह रहा हूँ कांग्रेस बिल्कुल ही गई, वो वाला माहौल बना है। लोग बेसिकली चाहते हैं कि हमारा जो देश है उसको मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सक्षम हैं और उन्होंने भारत का गौरव भी बढ़ाया है, इसलिए पूरी जो समाज है बरादरी भाईचारे धर्म बरादरी से ऊपर उठ के आज मोदी जी के भाजपा के हित में वोट डाल रहे हैं कि हमारा देश विश्व गुरु की तरफ जा रहा है और हमारा देश मजबूत हो, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद मुक्त हो, उसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट डालना बहुत जरूरी है। और माननीय जुगल किशोर जी, मैं हम कह रहे थे ना 400 पार या 4 लाख, आप 4 तारीख का इंतजार करिए 4 जून को, ये वोट ऐसे बरसे हैं जैसे समझ लीजिए आप लोहड़ी का त्यौहार जानते हैं, उसमें जब अर्घ देते हैं ना खुले हाथों से, उस तरह से वोट पड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश की कमान संभालने जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आज लोगों को अपनी तरफ से? जो राम को लाए हैं लोग उनको ला रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे अब की बार किसकी सरकार? मोदी की सरकार सर, मोदी ही आएंगे जोर जोर से। तो जम्मू के सतवारी अच्छा काम किया हुआ है और मोदी जी ही आने चाहिए पास दोबारे, हमें तो मोदी ही चाहिए, हमें और कोई नहीं चाहिए। और कांग्रेस क्यों नहीं चाहिए? कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। जो मोदी ने कहा उग्रवाद खत्म कर दिया, श्रीनगर हालात ठीक हो गया, टूरिस्ट आ रहा है, और क्या चाहिए जम्मू वालों को? यही चाहिए, मोदी ही चाहिए, बस इतना ही कहूँगा। बस जम्मू वाले पहले जम्मू में खुश नहीं थे, उनको किसी प्रकार का डर था। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है 2014 से जम्मू वाले अपने घर में खुली हवा में सांस ले रहे थे, अदरवाइज ऐसा था कि कोई सोच रहा था कि मैं चंडीगढ़ में बसूंगा, कोई इस तरह का माहौल बना हुआ था। उस माहौल को इन 10 वर्षों में मोदी जी ने बिल्कुल ही चेंज कर दिया है। आज ना पत्थरबाज दिखते हैं, ना कश्मीर बंद होता है, आतंकवाद भी कम है। कुल मिला के जो भारत के लोग जो चाहते हैं एक लोकतंत्र में, उस लोकतंत्र की जो सही मायनों में नींव रखी है 2014 से भारतीय जनता पार्टी सरकार में नरेंद्र मोदी जी ने रखी है, इसलिए नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप भी जरूर बताएं कि जनाब अब की बार जो है वो किसकी सरकार जम्मू कश्मीर में आने वाली है। यहाँ पर आज दूसरे चरण में मतदान जो है वो जम्मू रियासी लोकसभा सीट पर शुरू हो गया और इस बीच लोगों में काफी ज्यादा हर तरफ लोग जो है वो ये कहें कि काफी ज्यादा उत्साहित हैं और भी लोगों से बात करेंगे। मैम, क्या कहना चाहेंगे आज के मौके पर? हम बड़े खुश हैं आज के दिन, तो चलो अच्छा चल रहा है सारा। क्या लगता है आपकी बार किसकी सरकार आएगी? मोदी सरकार, हर हर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। देख सकते हैं कि हर तरफ जो है वो ये कहें कि जनाब इस समय जो है वो हर किसी का ये कहना है कि इस बार जो है वो मोदी सरकार आएगी, लेकिन 4 जून को पता चलेगा। दूसरी तरफ ये कहें कि जनाब कुछ लोग जो है बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात है कि कौन जो है वो ये कहें कि जनता जो है वो किसी मैदान में उतारेगी। सर, क्या कहना चाहेंगे आज क्या लगता है कि अब की बार किसकी सरकार जम्मू कश्मीर में आएगी? देखिए, ये तो जनता पे डिपेंड करेगा, जनता क्या चाहती है, किसको बनाना है, ये जनता पे डिपेंड करेगा। रमन भल्ला जी की बात करें या फिर जुगल किशोर शर्मा जी की बात करें, एक जोरदार टक्कर जो है वो इनके बीच यहाँ पर जम्मू रियासी लोकसभा सीट पर देखने को मिलेगी, क्या लगता है कौन जीतेगा?
देखो रमन बल्ला हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के एक ऐसे शख्स हैं कि हर इंसान के दिल के अंदर गहराइयों में बसे हुए हैं। वो जुगल किशोर जी को तो कभी देखा ही नहीं है हमने, 10 साल से आए नहीं है हमारे एरिया में। रमन बल्ला इज द बेस्ट कैंडिडेट ऑफ द कांग्रेस और हम चाहते हैं कि दिल से ये ख्वाहिश है कि रमन बल्ला जीते, हमारा वोट रमन बल्ला जी को ही जाएगा। क्या लगता है कौन जीतेगा? कांग्रेस आई जीतेगी दोनों सीटें में। क्या लगता है भैया कौन जीतेगा? भैया रमन बल्ला जी जीतेंगे। रमन बल्ला जी बिल्कुल। भैया आपको क्या लगता है? सर काम किया उन्होंने तो काम के लिए वोट तो बनता है उनका, ठीक है ना। ये जो मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, पहले इनकी अपनी ग्राउंड लेवल क्या है, खुद क्या किया है? जो ये बोल रहे हैं कि मोदी जी काम कर रहे हैं तो हम उनके पीछे करेंगे, मैं आम पब्लिक से ये दरख्वास्त करता हूँ कि पब्लिक पहले जो कैंडिडेट खड़े उनका काम देखे कि क्या काम किए उन्होंने, फिर जाके मोदी को देखे। पहले हमें अपने कॉन्शियसली देखनी है कि हमारे जो रमन बल्ला जी कितना काम किया है, घर घर लोगों के घर बनाया है, जिनको खाने के 2 टाइम रोटी मिलती है, उन्होंने घर गली जो एक बंदे को नीड चाहिए होती ना वो उन्होंने पूरी नीड की है। और मैं दिल से बोलता हूँ कि रमन बल्ला जी जीते क्योंकि उन्होंने काम किया है। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? देख सकते हैं कोई कह रहा है कि कांग्रेस जीतेगी तो कोई कह रहा है कि बीजेपी। क्या लगता है कौन जीतेगा? सर हमारी तो पूरी कोशिश है कि कांग्रेस ही आए, तो बीजेपी के बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते। हम कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं तो हमने कांग्रेस को ही जिताना है। अब लोगों पे डिपेंड है किसको वोट दे रही है किसको नहीं, किस कौन अच्छा लगता है कौन नहीं लगता। हमारी तरफ से यही कोशिश है। पूरी लोग जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चढ़ कर अपने अपने घरों से बाहर निकले और हर एक पोलिंग बूथ पर काफी ज्यादा लाइनें लगी हुई हैं। क्या कहना चाहेंगे लोगों को? सर लोगों पे उत्साह है वोट देने का, चेंजिंग करने का। अब चेंजिंग की वजह से लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा है हाथ को वोट लगाने के लिए, कांग्रेस को वोट लगाने के लिए, रमन बल्ला को जिताने के लिए। बिल्कुल, जम्मू के नई बस्ती से ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर एक तरफ बीजेपी ये कह रही है कि जनाब जुगल किशोर शर्मा जी जीतेंगे और मोदी की सरकार आएगी और 400 के पार जो है वो इस बार किया जाएगा। लेकिन जनाब कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ये कह रही है कि रमन भल्ला जी एक ग्राउंड से जुड़े हुए नेता रहे हैं और काफ़ी काम उन्होंने यहाँ के लोगों के लिए किए हैं और वो जो है वो वही जीत कर आएंगे। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा ये आप जनता जो है वो जरूर कमेंट्स में बताइएगा। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।